की परदेसीपुरा थाना पुलिस ने वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह चोर गैंग अपना शौक पूरा करने के लिए वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पकड़े गए आरोपियों में 5 आरोपी नाबालिग हैं। इंदौर पुलिस लगातार वाहन चोरी करने वाले गिरोह पर नकेल कसती जा रही है। इसके साथ पुलिस ने शहर के हर चौराहे पर पुलिस बल तैनात किया है ताकि ऐसे संदिग्ध वाहनों की धरपकड़ हो सके और चोरी का खुलासा हो सके। इसी चेकिंग के दौरान पुलिस ने ऐसे वाहन चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है जो अपना शौक पूरा करने के लिए वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने 8 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के कब्जे से 4 दोपहिया वाहन भी पुलिस ने बरामद किए हैं। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अपना शौक पूरा करने के लिए वाहन चोरी करते थे और उन्हें सस्ते दामों पर बेच देते थे। पकड़े गए आरोपियों में 5 आरोपी नाबालिग है। फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है जिनसे और भी वाहन बरामद होने की उम्मीद है। वर्तमान में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों एवं इंदौर शहर में वाहन चोरों की बढ़ती वारदातों के मद्देनज़र में आईजी साहब, डीआईजी साहब और हमारे एसपी पूर्व महोदय द्वारा आदेशित किया गया था कि वाहन चोरों पर नकेल कसी जाए और उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया था। उसी प्लान के अनुसार थाना परदेसीपुरा से वर्ष 21 में अभी गाड़ी चोरी हुई थी, उसमें हमारे द्वारा 8 लड़कों को पकड़ा गया जिनसे 21 की 1, 20 की 2 और एक वर्ष 2015 की गाड़ी भी बरामद हुई। इस प्रकार कुल 4 वाहन बरामद हुए। 8 लड़के हैं, सभी थाना परदेसीपुरा क्षेत्र के निवासी हैं, जिसमें से 3 बालिग है और 8 नाबालिग लड़के हैं। नहीं, पहले इनसे कोई भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड चोरी संबंधित नहीं आई है। 2 लड़के हैं जिनमें एक के खिलाफ सट्टे के 2 मामले पंजीबद्ध और एक के खिलाफ छेड़खानी का मामला पंजीबद्ध है। अन्य किसी प्रकार का मारपीट, चोरी या अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया। आरोपी से पूछताछ में पता चला कि अपने खर्चों की पूर्ति करने के लिए ये लोगों ने क्या था कि चोरी एक ग्रोह कर लेता था, वो दूसरे को बेच देता था, दूसरा तीसरे को बेच देता, इस प्रकार ये गाड़ियां बेचने का प्रयास करते थे। जो वाहन चोरी करके रखते थे, कहाँ रखते थे ये गाड़ियां? तो अपनी पहले तो ये गाड़ी चुरा लेते, चुरा के किसी सुनसान जगह पे रख देते थे। उसके बाद जब ग्राहक मिल जाता था तो ग्राहक को ये बेच देते थे। इतने में एक गाड़ी का सौदा होता था? इनका जो सौदा होता था वो गाड़ी, नई गाड़ी को 10 से 15 हज़ार में बेच देते थे।